सोलन में गर्मी अपने चरम पर है, शहरवासी गर्मी से बेहाल हैं और सोलन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई पहाड़ी प्रदेश ना होकर मैदानी इलाका हो। तापमान 35 से भी पार हो चुका है। शहरवासी इस गर्मी की सबसे बड़ी वजह शहर के आसपास सुलग रहे जंगलों को मान रहे हैं। शहर में कितनी गर्मी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। शहरवासियों ने कहा कि जंगलों में आग लगने के कारण जहां शहर का वातावरण दूषित हो रहा है, वहीं वनों में जंगली जानवर आग की भेंट चढ़ रहे हैं। शहर में अकस्मात गर्मी भी बेहद बढ़ गई है, इसलिए ग्रामवासियों से विनती है कि वे घास के लालच में जंगलों को ना जलाएं। उन्होंने कहा कि वे घास को हटाने का कोई विकल्प तलाश रहे हैं ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि शहर के आसपास के जंगलों में आग लगी है, जो जाहिर है कि ग्रामवासियों ने पशु के चारे के लिए अच्छी घास प्राप्ति के लिए लगाई हो, इसलिए ग्रामवासियों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वे इस तरह के आग लगाकर पर्यावरण और स्वास्थ्य का दुश्मन ना बने। सोलन में आयोजित HPL क्रिकेट प्रतियोगिता में सेलिब्रिटी मैच का आयोजन किया गया। इस मैच में हिमाचल के जाने माने प्रसिद्ध गायक रिमिक्स किंग कुलदीप शर्मा की टीम ने खूब चौके छक्के लगाए और जीत हासिल की। प्रतियोगिता का मुख्य लक्ष्य युवाओं को नशों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशों को हिमाचल से खत्म करना है। ये प्रतियोगिता हिमाचल के विभिन्न जिलों में आयोजित की गई। आज इसका सोलन के ऐतिहासिक ठोटो मैदान में समापन किया गया है। इस मौके पर प्रसिद्ध गायक कुलदीप शर्मा ने गाकर नहीं बल्कि अपने चौके छक्कों से भी सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने खुलासा किया कि आज से 19 साल पहले वह भी नशे की चपेट में थे और कोई भी शराब की बोतल के बदले कार्यक्रम करवा लेता था, लेकिन आज वह नशे से दूर हैं और यही वजह है कि आज उनके पास वह सब कुछ है जो एक सफल इंसान के पास होना चाहिए। इसलिए सभी युवाओं को वह संदेश देना चाहते हैं कि अगर वह नशे से दूर रहते हैं तो वह भी अपने जीवन में कामयाबी की बुलंदियाँ को छू सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज वह नशे से दूर हैं, इसलिए वे आज इस काबिल हुए हैं कि वह आमिर खान और अक्षय कुमार के साथ फिल्म करने जा रहे हैं। बिलासपुर जिला में जल्द ही वाहनों की फिटनेस हाईटेक मशीनों के जरिए जांची जाएगी। इसमें छोटे से लेकर बड़े सभी तरह के वाहनों की जांच होगी। खास बात ये होगी कि पासिंग के लिए निर्धारित तिथि वाले दिन वाहनों की भी संख्या फिक्स की जाएगी। एक दिन में केवल 50 वाहनों की ही पासिंग होगी। RTO बिलासपुर सिद्धार्थ आचार्य ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जल्द ही विभाग बिलासपुर में इस मशीन की सौगात देगा। मशीन की डिमांड हाई कमान को भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि हाई कमान से मशीन मिलने पर बिलासपुर में वाहनों की फिटनेस हाईटेक मशीनों के जरिए जांची जाएगी। इसके बाद पासिंग के लिए आवेदन भी ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए लिया जाएगा। बता दें कि मौजूदा समय में वाहनों की पासिंग, MBI गाड़ियों के कागजात, प्रदूषण, गाड़ी कितना धुआं छोड़ती है, गाड़ी किस कंडीशन में है आदि की जांच लेता है। इस प्रक्रिया के लिए निर्धारित दिन में वाहनों का जमकर लग जाता है। HRTC वर्कशॉप के पास होने वाली पासिंग के दौरान मीलों लंबा जाम भी लगा होता है। ऐसे में नई व्यवस्था को शुरू करने के उपरांत विभाग पासिंग का वेन्यू भी बदलने पर विचार कर रहा है। मशीन के आने के उपरांत अब इस सारे झंझट से विभाग को छुटकारा। नूरपुर के बागनी स्कूल में पिछले काफी समय से स्कूल बस के ड्राइवर और स्कूल के प्रिंसिपल के बीच काफी गहमा गहमी चल रही है। पहले प्रिंसिपल ने बस ड्राइवर को निकाल दिया। काफी दिनों तक स्कूल बस ड्राइवर धरने और स्कूल के सामने बैठे रहे। बाद में स्कूल द्वारा बस के ड्राइवर जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उनका रिजल्ट नहीं दिया गया। सभी ड्राइवर और उनके परिवार वाले अपने अपने बच्चों को लेकर नूरपुर के SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर के पास अपनी फरियाद लेके पहुंचे। SDM ने तुरंत प्रिंसिपल को निर्देश दिए और बच्चों का रिजल्ट उन्हें देने के लिए कहा। अब कुछ दिन पहले प्रिंसिपल द्वारा उन ड्राइवर के 5 बच्चों को जो कि स्कूल में पढ़ते हैं उनको स्कूल से निकाल दिया। ड्राइवर इसकी फरियाद को लेकर जिलाधीश कांगड़ा के पास गए और अपनी आपबीती सुनाई। जिलाधीश कांगड़ा द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए डायरेक्टर एलिमेंट्री धर्मशाला सहित 3 लोगों की टीम को भागनी भेजा। 3 लोगों की टीम जिलाधीश के निर्देशों के अनुसार और SDM नूरपुर के अध्यक्षता में
डीएवी स्कूल बागनी पहुंचे और सारी जानकारी हासिल की। जिन 5 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया था उन्हें आज फिर स्कूल में बुलाया गया और अपनी अपनी कक्षाओं में बिठाया गया। डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री धर्मशाला राजकुमार शर्मा व ओएसडी डॉक्टर विजेंद्र चंदेल ने बताया कि हमारे कार्यालय को डीएवी स्कूल भागने की शिकायत मिली थी। जिलाधीश के माध्यम से डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री धर्मशाला राजकुमार शर्मा व ओएसडी डॉक्टर विजेंद्र चंदेल ने बताया कि हमारे कार्यालय को डीएवी स्कूल भागने की शिकायत मिली थी। जिलाधीश के माध्यम से बच्चे और उनके अभिभावक भी आए थे। जिलाधीश ने हमें विजिट करने के लिए कहा। हम पिछले शनिवार को स्कूल में आए थे। हमें तुरंत यही फैसला लिया कि अभी बच्चों की एडमिशन हो जानी चाहिए। प्रिंसिपल को निर्देश दिया कि इसी समय बच्चों को स्कूल में बिठाया जाए। प्रिंसिपल से सर्टिफिकेट लिया कि वो बिना कंडीशन के एडमिशन कर रहे हैं और आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर हमने आज का दिन निश्चित किया क्योंकि कुछ इशू जो अभिभावकों के थे कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई कि बच्चों को निकालना पड़ा या इन्होंने निकाला। स्टाफ से भी इस विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा और बच्चों के अभिभावकों से भी छानबीन कर रिपोर्ट जिलाधीश को सौंप दी जाएगी। चाइल्ड हेल्पलाइन के डायरेक्टर रमेश मस्ताना ने बताया कि डीएवी स्कूल बागनी में बहुत ज्यादा समस्याएं थी। बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया जो बाल अधिनियम एक्ट के तहत सेक्शन 82 संस्थागत जो दंड दिया जाता है उसके अनुसार हमने प्रिंसिपल को कहा कि आपको 3 माह की सजा भी हो सकती है और 10,000 रुपए जुर्माना भी हो सकता है। उस दिन हमने बच्चों को एडमिशन करवा दी लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें थी। जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन की बात करते हैं तो कहीं भी चाइल्ड लाइन का नंबर नहीं लिखा गया है। बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि चाइल्ड लाइन नाम की कोई चीज है। कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। अगर बच्चों के साथ कुछ गलत होता है तो उसे लेकर किसके पास बात करें। स्कूल वाले कहते हैं कि बनी है पर कोई भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। पोस्को एक्ट के तहत बहुत सारे केस रजिस्टर हो सकते हैं लेकिन जब तक कमेटी ही नहीं है बच्चों के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने हो तो कौन उसको रिकॉर्ड करेगा। स्कूल का बहुत सारा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। नूरपुर के एसडीएम ने बताया कि यह मामला काफी समय से पेंडिंग था और आज इस मामले की छानबीन करने के लिए आए हैं। धर्मशाला से जिलाधीश ने टीम भेजी है जो कि छानबीन कर रही है। हमने दोनों पक्षों को बिठाकर बात की है और जो समस्याएं थी उन्हें समाप्त कर दिया है। बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल चुकी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत स्कूल प्रधानाचार्य को जरूरतमंद बेटियों की एडमिशन के लिए बोल दिया है।